नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजय। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नया बनाने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो मैंने एक व्लॉग के तौर पे रिकॉर्ड किया है। जिस प्रकार से आपने यूट्यूब पे मोटो व्लॉग और ट्रेवलर व्लॉग और भी व्लॉग देखे हैं, उस प्रकार से आज से अपने चैनल पर भी इलेक्ट्रॉनिक व्लॉग होंगे। तो इसमें यह होगा कि मैं कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का नया करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। जिस प्रकार से अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो कैपेसिटर है, आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैं कैपेसिटर कहां से लेके आया हूं। मैंने एक रेगुलेटर होता है, डीमर होता है, उसमें से मैंने ये कैपेसिटर निकाले हैं। तो अब हम कैपेसिटर की वैल्यू चेक करेंगे और कैपेसिटर पर जो लिखा हुआ है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि 250 वोल्ट के ये कैपेसिटर है। मतलब 250 वोल्ट तक ये इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, 250 ज़्यादा वोल्ट में आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो। इनकी कैपेसिटी पता करने के लिए मेरे पास ये डिवाइस है और आपको पता है डिवाइस कौन सा है। मैंने मेरे कई वीडियो में आपको ये डिवाइस दिखा चुका हूँ और इसका एक रिव्यू भी मैंने बनाया है। आप वो चाहो तो इस डिवाइस का रिव्यू देख सकते हो, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा चैनल पर। तो जो हमने पहला कैपेसिटर, जो पतला सा कैपेसिटर है, वो कनेक्ट किया है और उसकी वैल्यू आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। और ये 1 माइक्रोफेराइट का है और इसमें जो वैल्यू दिखाई दे रही है नैनोफेराइट की है। तो आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि इसमें कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक फ़ैन कैपेसिटर जो होता है वो लेता हूँ। और ये 2.5 mFd का फ़ैन कैपेसिटर है। तो आप इसमें देखिएगा नैनोफेराइट में कैपेसिटी आएगी तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार से ये जो मीटर है नैनोफेराइट में बता रहा है, माइक्रोफेराइट में नहीं बता रहा है। तो आप देख सकते हो ये कैपेसिटर भी 2.5 माइक्रोफेराइट का, और जो डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा है वो 2500 कुछ समथिंग आ रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हमको नैनोफेराइट से माइक्रोफेराइट में करना पड़ेगा था। उसके लिए आपको 1000 से डिवाइड करना है तो माइक्रोफेराइट में वैल्यू आ जाएगी, नैनोफेराइट से माइक्रोफेराइट में आ जाएगी। उसके बाद हम दूसरा कैपेसिटर लेते हैं तो ये कैपेसिटर की भी वैल्यू हम पता कर लेते हैं कितनी आ रही है। तो इसमें भी आप देख सकते हो ये भी लगभग 2.5 माइक्रोफेराइट के आसपास की वैल्यू आ रही है इसमें। और जो लास्ट जो कैपेसिटर हमारा बच रहा है तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। और ये डिवाइस जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था तो अभी अवेलेबल होगा तो आप भी देख सकते हो। यदि आपको ज़रूरत है तो आप ये ख़रीद सकते हो, और भी बहुत कुछ काम करता है ये। और जो लास्ट वाला कैपेसिटर है वो 4 माइक्रोफेराइट का कैपेसिटर है। ये तीन कैपेसिटर फ़ैन डीमर में लगे थे और ये वह फ़ैन डीमर है जिसमें पंखे में से किसी प्रकार की कोई नॉइज़ वगैरह नहीं आती है। और अभी जो आप देख रहे थे ये पावर मीटर है, ये पता कराएगा, ये पता करेगा कि कितना जो एम्पियर है या आप वॉट भी कह सकते हो, जो वॉट है टोटल पावर जो है, ये बल्ब कितनी खर्च करने वाला है। तो इसमें मैं 100 वॉट का बल्ब ले रहा हूँ क्योंकि ये जो रेगुलेटर जिसमें से हमने कैपेसिटर निकाले वो भी एक 100 वॉट का रेगुलेटर था। आप देख सकते हो मैंने जो 1 माइक्रोफेराइट का कैपेसिटर जो कनेक्ट किया है वो आप देख सकते हो उसमें से सिर्फ उतनी ही पावर जा रही है, मतलब 1 वॉट भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसलिए बल्ब में से किसी भी प्रकार का लाइट नहीं आया है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो एक प्रकार से आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट वीडियो है। जो मैं कैमरे पे आपको नहीं दिखाता था वो एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो आपको उसमें कुछ जानने को मिलेगा। मुझे भी नहीं पता कि आपको क्या जानने को मिलेगा, वो आप ही मुझे कमेंट में बताइए। कि यदि आपको वीडियो देखने से कुछ मदद मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम अब दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं और ये कैपेसिटर की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। तो अब आप देखिएगा ये कितना पावर आगे पहुँचाता है। तो जो हमारा फ़ैन का जो डीमर होता है वो भी इसी पे काम करता है। अभी हम सिंगल कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करके भी देखेंगे। और ये जैसे आप देख रहे हो 8 वाट का पावर कंज्यूम हो रहा है और आप देख सकते हो बल्ब में जो लाइट है वो हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा पावर गया। इसी प्रकार से फ़ैन में भी कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज कम ज़्यादा करके इस प्रकार से हमारा जो फ़ैन होता है तो उसकी स्पीड कम होती है, उसमें भी कम पावर जाता है। यदि हम इसको फ़ैन कनेक्ट करते हैं इसके जो प्रॉपर रेगुलेटर में, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये जो मैंने रेगुलेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब ये कैपेसिटर उसमें दोबारा लग नहीं सकते क्योंकि उसकी प्रिंट ख़राब हो चुकी है। तो ये जो रेगुलेटर है पूरी तरह से ख़राब हो गया है। अब हम लास्ट वाला कैपेसिटर देखते हैं इसमें कितनी क्या पावर आ रही है। आप देख सकते हो 25 वॉट पावर कंज्यूम हो रहा है। मतलब जैसे जैसे हम कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ज़्यादा पावर उसमें से निकल रहा है, मतलब कैपेसिटर उसको पास कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो जो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक एक कैपेसिटर, अभी तो सीरीज़ में बल्ब सीरीज़ में कनेक्ट है, लेकिन कैपेसिटर को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे और वो सीरीज़ में रहेगा बल्ब के। तो देखिए किस प्रकार से मैं कनेक्ट करता हूँ। और मैं आपको बार बार ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैं एक मेटल के टुकड़े से दोनों कैपेसिटर के पॉइंट को शॉर्ट कर रहा हूँ। जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो पॉइंट शॉर्ट कर रहा हूँ। अभी आप देखिए बल्ब का लाइट बढ़ गया है क्योंकि हमने 2 कैपेसिटर सीरीज़ में लगाए हैं और आप देख सकते हो पावर भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है इसमें, और इसका जो लाइट है 100 वाट का वो भी तेज़ हो गया है। अब हमारा लास्ट में जो एक और कैपेसिटर बचा था उसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं।
जो कि 1 माइक्रोफेराइड का था। तो अब आप देखिएगा दोस्तों, और लाइट बढ़ जाएगा और ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इससे डीमर बनाया गया था, जो आप इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो डीमर दिखाया था जिसका हमने इंसाइट किया था, तो वो इस प्रकार से डीमर बना था। और उसके बाद में एक सिचुएशन और आती है, इसके बाद आप 63 वोल्ट आप देख वॉट देख रहे हो, यदि ये पूरा 100 वॉट कंज्यूम करेगा, वो कब करेगा, उसको अब हम डायरेक्ट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे तो 100 वॉट हो जाएगा साधारण जो बल्ब कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इससे भी आप एक फ़ैन रेगुलेटर बना सकते हो। और सिंपल सा ये आज का एक्सपेरिमेंट था, या आज का एक व्लॉग था, जैसा कि आप मैंने आपको बताया था। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगले वीडियो में फिर मैं आपको कुछ नया करके बताऊंगा, और सभी वीडियो आने वाले जो मैं बैक एंड जो कैमरे पे नहीं दिखाता था, मैं खुद अपने लिए करता था कि इसमें क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, तो उस प्रकार के वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।